हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मल्टीपैकर वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैं आपको नई अपडेट दे रहा हूँ जरोधा के बारे में। तो जरोधा ने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर। जैसे कि आपको पहले कुछ क्वेश्चंस आते थे लॉगिन करने के बाद, तो अब क्वेश्चंस आना बंद हो जाएंगे और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन वैसा ही मिलेगा जैसा कि आपको आपने यूपीआई में, अगर आप यूज करते होंगे, बैंक में आप यूज करते होंगे, यूपीआई आप कहीं पर भी यूज करते होंगे, तो आपको 6 डिजिट एक आपको सिक्योरिटी कीवर्ड्स मिलते होंगे, तो उसको टाइप करने के बाद वो लॉगिन हो जाता होगा। तो वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि लॉगिन करने के बाद अब आपको 6 कीवर्ड पूछे जाएंगे जो आपको डिजिट्स में डालने होंगे। और जैसे कि आपको लॉगिन, आप किसी बैंक की आईडी भी यूज़ करते होगे बैंक अकाउंट चेक करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको लॉगिन करने के लिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, पर अब वो पॉलिसी चेंज हो चुकी है और यहाँ थोड़ी सी और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने डिजिटल कोड डाल दी है जिसमें आपको लॉगिन करने में भी और आसानी होगी। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अपना अकाउंट लॉग इन कर दिखा रहा हूं, तो अब मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर मेरे को यहाँ पर 6 डिजिट डालने होंगे, 6 कीवर्ड मुझे यहाँ पर टाइप करने होंगे और यहाँ पर आपको कोई स्पेलिंग टाइप नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर ही टाइप करने होंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर अप टाइप किए, यहाँ पर जब मैंने लॉग इन किया था अपना अकाउंट, तो वहां पर मुझसे एक नए डिजिट पूछे गए थे, 6 डिजिट उन्होंने पूछे। मैंने वहां पर टाइप किया और कन्फर्म भी किया उसको, और कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू किया, तो यहाँ पर अब सिक्योरिटी क्वेश्चंस आना बंद हो गए हैं। जैसे कि हमसे पहले पूछा जाता था कि हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम बताइए, या फिर हमारा पहला टीवी, या फिर हमारा पहला मोबाइल, पहली सर्विस हमारी कि हम कहाँ किया करते, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे बार बार पूछे जाते थे और हम उसको टाइप करने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता था और कई लोग क्वेश्चंस भूल भी जाया करते। तो यहाँ पर अब आप डिजिटल नंबर पर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल नंबर आप इस तरह का डालिएगा जो आपको याद रहे बहुत ही आसानी से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बीच में भूले ना। तो उसके लिए आप बहुत ही आसान से नंबर यूज करिएगा, और यहाँ पर आप डिजिटल नंबर डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए हमारा इधर पर लॉग इन हो चुका है। तो ये जो चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, ये L&T हाउसिंग फाइनेंस का है, और L&T हाउसिंग फाइनेंस में जितनी बढ़त आनी थी वो आपने देखी होगी, फ्राइडे के दिन काफी अच्छा इसने बढ़त भी दिखाई है। और वहाँ पर मेरी होल्डिंग्स थी, तो होल्डिंग मैंने प्रॉफिट के साथ वहाँ पर निकाल दी है, क्योंकि इंट्राडे में अब मैं इसको मंडे मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर मुझे सेल की पोजीशन बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है L&T हाउसिंग फाइनेंस के अंदर और बायोकॉन के अंदर। बायोकॉन में भी मुझे सेल की ही तरफ फोकस करके चलना होगा। अगर मुझे ये पोजिशन मिल जाती है 618.50 पर या 618 पर, मैं अगर ये पोजीशन मिलती है तो यहाँ से मैं सेल की पोजीशन बनाकर चलूंगा बायोकॉन के अंदर। और अगर मुझे L&T हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, तो L&T हाउसिंग फाइनेंस में भी मैं 125 रुपये 70 पैसे से इसमें सेल की पोजीशन बनाकर चलूंगा, यानी कि 125.70 से मैं इसकी सेल की पोजीशन बनाकर चलूंगा अगर मुझे इस स्तर पर गिरावट देखने को मिलती है। और ये प्राइजेस जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इन प्राइजेस के पास आपको ये पोजीशन दिखाई देती है, तो आप वहां से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर, ये देखिए निफ्टी के अंदर, मैं आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी बता दूंगा, बैंक निफ्टी के अंदर मुझे मावट आने वाली है। कुछ टाइम इसने लिया था वहां पर, ये अटका भी रहा था, बट वहां पर कंफर्म था कि बैंक निफ्टी में गिरावट आने वाली है, क्योंकि इस पोजिशन के बनने के बाद अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, तो फिर इसमें थोड़ा सा वेट करें। और हल्की सी गिरावट भी अगर इसमें आपको नेगेटिविटी भी दिखाई देती है, रेड कैंडल हल्की सी बनती हुई दिखाई देती है, तो वहां पर सेल की पोजीशन बनाने से एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी जैसे कि आईबुल है, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस है, तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में भी हमको इसमें सेल की ही पोजीशन बनाकर चलना होगा मंडे के दिन। इसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमको गिरावट ही देखने को मिल सकती है, और एक सन टीवी में भी हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं गिरावट वाले स्टॉक ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जो रिस्की मार्केट अभी चल रहा है, जैसे कि मुझे मालूम था कि निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। एक क्लाइंट ने मेरे पूछा भी था कि यहाँ पर आज क्या होने वाला है मार्केट में, तो मैंने सिर्फ एक ही वर्ड बोला था, कंसोलिडेट रहने वाला है मार्केट, कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा। और वहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को ही मिला था, क्योंकि ज़्यादा कुछ मोमेंट आया नहीं, बट स्टॉक्स मार्केट में बहुत तेज़ी से मूव किए थे। कई स्टॉक्स ऊपर मार्केट ओपन होते ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी गए हैं और फिर वापस नीचे आए हैं बहुत ही अच्छी धीमी रफ्तार से, ज़्यादा कुछ तेज़ रफ्तार भी नहीं थी कि आपको मौका ना मिल पाए एग्जिट करने का, तो मौका भी आपको मिला है एग्जिट करने का, वहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। तो आपको सेल करके चलना होगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को, L&T हाउसिंग फाइनेंस को, बायोकॉन को। अमर राजा में भी देखें तो अमारा राजा बैटरीज में भी गिरावट ही देखने को मिलेगी आपको,
बट इतनी ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, बट इसमें भी गिरावट ही आनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो पूरी गिरावट ही देखने को मिलनी चाहिए मुझे इस स्टॉक के अंदर भी। और बाकी फार्मा स्टॉक्स में भी देखते हैं कि बायोकॉन में ही मिला है मुझे या बाकी भी स्टॉक्स में। ग्लेनमार्क फार्मा तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि इसमें गिरावट आएगी या नहीं आएगी, बट मैंने अजंता फार्मा में भी देखा था थोड़ी देर पहले, तो अजंता फार्मा में भी मुझे गिरावट ही देखने को मिल रही थी कि इसमें भी गिरावट ही देखने को मिल सकती है मुझे मंडे मार्केट में। तो मैंने अभी तक आपको जो भी स्टॉक बताए हैं सभी गिरने वाले ही स्टॉक बताए हैं। और मैं बताऊं तो मैंने अभी जो होल्डिंग की है वो विंड पावर में, सॉरी आइनॉक्स विंड में, आइनॉक्स विंड का नाम आपने सुना होगा, आइनॉक्स विंड में मैंने अपनी पोजीशन बनाई है। ये देखिए आइनॉक्स की स्पेलिंग आप देख लीजिए, आइनॉक्स विंड में मैंने अपनी बाय की पोजीशन बनाई है होल्डिंग में, क्योंकि इसमें तेजी आ रही थी वहां पर और ये टॉप गेनर में भी शामिल था। और मैंने जैसे ही टॉप गेनर में इसका चार्ट देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर बाइंग बन सकती है, और यहाँ पर मुझे एक लेवल भी मिल गया था जहाँ से मैंने इसमें 79.70 के आसपास इधर पर पोजीशन बना ली थी। जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ मैंने फ़ौरन मार्केट प्राइस से ही इसमें बाइंग कर ली थी, और 79.80 के आसपास मेरी इसमें बाइंग की पोजीशन बन भी गई थी। और यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा हाई बनाया जिसको मैं देख नहीं पाया और मैं कहीं चला गया, और 74 के आसपास ये गया, फिर भी मैंने होल्डिंग के लिहाज से इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है आइनॉक्स विंड को। और मैं सिर्फ टारगेट का वेट करूंगा इसके 90 के ऊपर जाने का, 90 के आसपास भी अगर मुझे दिखाई दिया या 90 के ऊपर भी ये जाता हुआ दिखाई देगा तो वहां पर मैं अपनी पोजीशन तब काटूंगा जब मुझे कंफर्म लगेगा कि वापस इसमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, तभी मैं अपनी पोजीशन इस स्टॉक में से क्रॉस ऑफ करूंगा, अदरवाइज मैं अपनी पोजीशन इसमें होल्डिंग में ही बनाए रखूंगा। आइनॉक्स विंड आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले ही काफ़ी ज़्यादा खबरों में ये स्टॉक बना रहा था, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने होल्डिंग भी की थी इसमें, क्योंकि ये जो टीवी में काफ़ी ज़्यादा इसको दिखाया जा रहा था बार बार, जिस वजह से काफ़ी लोगों ने इसमें होल्डिंग कर ली थी, बट गलत टाइम पर ये फंस गए थे और वहाँ पर गिरावट भी आपको देखने को मिली थी। तो अब गिरावट इसमें ख़त्म हो चुकी है आइनॉक्स विंड में, और काफ़ी अच्छी इसमें तेज़ी भी देखने को मिली है, तो आइनॉक्स विंड में यहाँ पर होल्डिंग बन रही है। और आप फर्स्ट टारगेट आपका 80 रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 90 के आसपास रहेगा, और टारगेट हर एक जो टारगेट है वो 10-10 रुपए के या 10-10 पॉइंट के गैप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, जिस वजह से आप इसमें होल्डिंग करके चल सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हो आइनॉक्स विंड में। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर न्यूज़ शेयर करना भी शुरू किया है, तो उसको भी आप सपोर्ट करके चले तो बहुत अच्छा होगा।